आज बहुत अच्छा लग रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी बिहार में आ रहे हैं। बिहार में आ रहे हैं, हाँ। तो बिहार आके कुछ देंगे, मांग हाँ। करेंगे। क्या नारा लगाइएगा मोदी को देखने के? हम बोलेंगे कि आप अयोध्या बना के बहुत अच्छा काम किए हैं और ऐसे ही पटना को और डेवलप करने की कोशिश करें और इस पटने में बार बार आए। वो हमेशा इंडिया के प्रधानमंत्री रहे। हमेशा? हाँ। हमेशा के लिए? हाँ। कैसे लगते हैं मोदी? हमको बहुत अच्छे लगते हैं। कभी देखे हैं? टीवी पर देखे। क्या कहेंगे उनसे आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार, मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए आज देश के पीएम नरेंद्र मोदी का पटना में रोड शो कुछ घंटे चंद घंटे के बाद होना, जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मैं अभी ठकुरबारी रोड में खड़ा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे भी नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको देखने के लिए बैरिगेट के पीछे खड़े हैं। इनसे बात करते हैं, किनको देखने के लिए आप पहुँचे हैं? पीएम नरेंद्र मोदी को। आखिर क्यों, कभी देखे थे उनको? नहीं, टीवी पे देखे थे। क्या लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी बिहार में आ रहे हैं। बिहार में आ रहे हैं, हाँ। तो बिहार आके कुछ देंगे, मांग हाँ। करेंगे। क्या नारा लगाइएगा मोदी को देखने के बाद? जय श्री राम। जय श्री राम का नारा लगाइएगा। अच्छा लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री हाँ, आ रहे हैं। आ रहे हैं, उनको नजदीक से देखने का मौका मिलेगा। हाँ, पहली बार। पहली बार बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पीएम श्री नरेंद्र मोदी इधर आ रहे हैं देखने। आप देख कभी देखे हैं उनको? हाँ, टीवी बहुत बार देखे हैं। आज देखने को मिलेगा? हाँ, लाइव देखने मिल रहा है। लाइव देखने के लिए तो क्या कहेंगे उनसे आप? जय श्री राम कहेंगे। और क्या, क्या, क्या? अगर आपसे बात करते तो आप क्या कहिएगा? कहेंगे इंडिया डेवलप किए हैं, बहुत सारी चीज किए, उनको ही जिताना है, उनको ही वोट देना है। आप तो वोट दे नहीं सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बोलेंगे वोट दे। अपने पेरेंट्स को बोलिएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से डिजिटल इंडिया के लिए मोदी जी का धन्यवाद, कटलेट लेके खड़ी है छोटी सी बच्ची, यहाँ भी एक बच्ची है मुस्कुरा रही है डिजिटल इंडिया को लेकर। किनको देखने आप आए हैं? मोदी जी को। क्या कहेंगे उनसे? वो हमेशा इंडिया के प्रधानमंत्री रहे। हमेशा? हाँ। हमेशा के लिए? हाँ। कैसे लगते हैं मोदी जी? हमको बहुत अच्छे लगते हैं। कभी देखे हैं? टीवी पर देखे। क्या कहेंगे उनसे आप? आप क्या बोलिएगा उनको देखने के बाद? चलिए देखे, छोटा सा स्माइल दे दो। क्या कहेंगे, किनको देखने के लिए आए हो? नरेंद्र मोदी जी को। इधर देख के बताओ, किनको देखने के लिए आए? नरेंद्र मोदी जी। कभी देखे हो? नहीं, टीवी पर। टीवी पर देखे हो, आज साक्षात देख लोगे। ठीक है। कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। किनको देखने के लिए आए? श्री नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी को जी। पहली बार देखेंगे? कभी देखे थे इससे पहले? टीवी पर देखे थे। टीवी पर देखे थे। और देखिए एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है जो है, आखिर नरेंद्र मोदी को देखने के बाद अगर बात करने का मौका मिला तो क्या कहेंगे? हम बोलेंगे कि आप अयोध्या बना के बहुत अच्छा काम किए हैं और ऐसे ही पटना को और डेवलप करने की कोशिश करें और इस पटने में बार बार आए। पटना में बार बार आए? हाँ। मांग कर दीजिएगा एक बार। हाँ। चलिए देखिए किस तरह से बच्चे जो है वो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्शन करेंगे। काफी खुश है, टीवी पर देखे थे आज सामने से देखेंगे और वो कह रहे, मुस्कुरा रहे, बच्चे भी खुश है। नरेंद्र मोदी बिहार की धरती पर पटना में रोड शो कर रहे हैं। इसी तरह आप तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।